हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे मालूम है। आज जो सीरीज है वो उसी का कंटिन्यूएशन है जो पेपर ऑलरेडी चल रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि आप सभी को और ज्यादा प्रॉफिट हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले के सारे वीडियोज अपलोडेड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपके साथ प्लेलिस्ट भी जल्दी शेयर कर दूंगी। Who has the right to transfer any case anywhere in India? भारत में जब भी कोई भी केस किसी कोर्ट में है तो किसके पास ये अधिकार है कि कोई भी केस को किसी भी भारत के हिस्से में ट्रांसफर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, लोकल कोर्ट को या पंचायत को? बहुत सिंपल है ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ उन्हीं में इतनी पावर होती है। ठीक है, ओके। एक बात और आपको याद रखनी है, आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे रिमूव किया जा सकता है तो वो भी आपको एक प्रक्रिया है जो पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सीजीआई हैं, उनके बारे में। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट के डीमेरिट्स क्या है, यानी कि क्या क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं ना, मेरिट्स भी हैं, गुण भी है और दुर्गुण भी है। तो लोकल गवर्नमेंट के दुर्गुण यानी डीमेरिट्स क्या है? इलेक्शन ऑफ द ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। वहां पर जो ग्राम सभा की जो इलेक्शन होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, मतलब जब भी हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी पंचायत होगी वो भी उनका कोई टेन्योर निश्चित नहीं है। आज जो सरपंच है वो सरपंच बने ही हुए हैं, ऐसा कुछ है क्या? Most state governments have not transferred significant power to local governments. बहुत सारे ऐसे state government हैं जो local government को power ही transfer नहीं करते। Local government lacks adequate resources. Local government के पास शायद resources नहीं है। All of the above. तो इसमें से मैं आपको बताऊं, ये तो है ही नहीं कि resources नहीं है। पैसा भारत के हर state में है, हर जगह पर है, but ये जो नेता हो गए हैं कुछ ज्यादा हो गए हैं। इलेक्शन ऑफ ग्राम सभा जो है रेगुलरली नहीं होती, सबसे बड़ा डीमेरिट यही है। ठीक है, अगर रेगुलरली होती तो हर चीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ स्टडी इंक्रीज इन द जर्नल लेवल ऑफ प्राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड्स कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाईज टर्म्स डैश। अब यहाँ थोड़ी सी इकोनॉमी एंटर की गई है, ध्यान से समझना, अर्थशास्त्र का प्रश्न है। अगर जनरल लेवल ऑफ प्राइस जो है वो एक्सेसिव इंक्रीज हो जाते हैं तो उनकी जो डिमांड होती है वो सप्लाई के हिसाब से क्या होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्या उससे इन्फ्लेशन आ जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने लग जाता है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज जहां पे भी लेवल आता है तो वहां पर इन्फ्लेशन में डिमांड और पुल का इन्फ्लेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जब हम अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का अकाउंट होता है, तो उसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होती है, इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट्स होती है, कैपिटल रिसीप्ट एंड पेमेंट्स, इन चारों में से कौन सा नहीं होता है? देखो, हमेशा ये एक दो स्टूडेंट तो गलती करते, इसलिए जब भी डज नॉट आए, ऐसा कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस का मार्क आ जाए, पहले उसे अंडरलाइन कर लो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो है कैपिटल रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये उससे किसी भी तरह से लिंक नहीं कर रहा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है आपका 21st क्वेश्चन, ये कैसे, रुकिए, 22nd क्वेश्चन कहाँ है, नहीं 20th क्वेश्चन कहाँ है, यस ये रहा आपका 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन आपका है ट्रेड डेफिसिट से रिलेट। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट रेफर्स टू सिचुएशंस वेयर, ट्रेड डेफिसिट कहाँ पर आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज मोर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया है और इम्पोर्ट जो है वो कम हो गया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड कम है और इम्पोर्ट ज्यादा है, आयात और निर्यात में जो भेद है वो ट्रेड डेफिसिट रेफर्स में कहां पर आता है, वो कौन से सिचुएशन में माना जाता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज मोर देन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा
जब एक्सपोर्ट तो है वो लेस हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट लेस हो गया और इंपोर्ट हो गया ज्यादा, ठीक है, ज्यादा इन द सेंस मतलब इन दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, तो इंपोर्ट जो हुआ इंपोर्ट ऑफ गुड्स का हो गया मोर एंड एक्सपोर्ट हो गया लेस, तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट की डिमांड जो सिचुएशन है वो आ जाती है। तो ये था आपका पेपर जिसमें हम 20th नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ज्यादा वीडियो आपके साथ इस तरह से लाई जा सके। आपका भी कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई भी पेपर हो, कोई भी ऐसी कंफ्यूजन हो तो हमारी टीम जरूर उसे सॉल्व करेगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही आपके साथ। जो भी एग्जाम आप फिलअप कर रहे हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी पेपर हो हम हर एक पेपर आपके साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।